हेलो वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे अपने यूट्यूब एपीआई की को कॉपी कर सकते हैं, आपको यूट्यूब एपीआई की कहां पे देखने को मिलती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए। क्या होता है, कभी आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में किसी भी एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, तो दोस्तों उसमें क्या होता है, उसमें मांगता है कि आप YouTube API की जो भी URL है उसको यहाँ पे पेस्ट करिए। तो दोस्तों, क्या होता है YouTube API की और आपको कहाँ पे मिलता है, किस जगह मिलता है, आप उसको कॉपी कैसे कर सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अपने UPI कैसे कर सकते हैं, आप API की को अपने YouTube API की को कैसे क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों, और यहाँ पे कॉपी इसको कैसे कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ दोस्तों। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए कि आपको अपनी YouTube API की किस जगह मिलती है, कहाँ पे मिलती है, आप उसको कैसे निकाल सकते हैं, उसको कैसे कॉपी करके वहाँ पे कैसे पेस्ट कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे अपने यूट्यूब API की को कैसे कॉपी कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए। दोस्तों, यहां पे आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, आपको सिंपली से अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको डालना है गूगल डेवलपर कौनसोल। दोस्तों, आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पहले से डला हुआ है गूगल डेवलपर कंसोल, आपको ये डाल देना है। दोस्तों, देख सकते हैं ये डाल देना है। इतना करने के बाद आपको थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे डेस्कटॉप साइट को ऑन कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है देखने के लिए, यहाँ पे गूगल API कंसोल, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने न्यू इंटरफेस यहाँ पे ओपन होगा। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ न्यू इंटरफेस ओपन होता है आपके सामने। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ लोडिंग होता है, लोडिंग होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए आता है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपने क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। दोस्तों, यहाँ पे इसको हटा के आप अपना नेम डाल सकते हैं या फिर ऐसे ही क्रिएट कर दीजिए। इतना क्रिएट करने के बाद दोस्तों, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। जैसे यहाँ पे अभी लोडिंग चल रही है, थोड़ी देर यहाँ पे लोडिंग चलेगी, मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है। दोस्तों, यहाँ पे इतना होने के बाद दोस्तों, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको यहाँ से एक सेलेक्ट कर लेनी है और दोस्तों, इनेबल API एंड यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें बैक आना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है इनेबल API एस सर्विस का, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलता है आपको देखने के लिए, YouTube डाटा API V3। दोस्तों, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे जो भी इनेबल का ऑप्शन दिखता है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको इनेबल करेंगे दोस्तों, आपके सामने कुछ न्यू इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पर इसको इनेबल होने में। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ देर लोडिंग चली, उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट क्रेडेंशियल्स डिटेल्स, यहाँ पे आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्रेडेंशियल्स डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे चूज़ का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन है यूट्यूब डाटा API V3, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। फिर नीचे एक और ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर चूज़ पे क्लिक करना है और यहाँ पे ISO या फिर कुछ भी यहाँ पे जो जब आप किसी में डालना चाहते हैं तो दोस्तों, वहाँ पे किस जगह मांगता है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैं यहाँ से एंड्रॉयड सेलेक्ट कर लेता हूँ। इतना करने के बाद आपको पब्लिक डाटा पर क्लिक कर देना है। पब्लिक डाटा पर क्लिक करने के बाद फिर से व्हाट क्रेडिट डिटेल्स डू आई नीड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने कुछ न्यू इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिल जाती है अपनी देखने को, यहाँ पे मिल जाती है हेयर इज योर API की। देख सकते हैं यहाँ पे आपकी जो भी यूट्यूब API की होती है, यहाँ पे API की यहाँ पे जब भी मांगता है दोस्तों, आप इसको कैसे कर सकते हैं यहाँ पे कॉपी। तो दोस्तों,
इस जगह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है योर एपीआई की। तो दोस्तों यहाँ पे इस पर क्लिक करके आप इसको कॉपी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो दोस्तों हमारी जो भी एपीआई की है वो यहाँ पे कॉपी के ऑप्शन पे आप कॉपी कर लीजिए। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कॉपी करने का जो ऑप्शन आता है, इस पर कॉपी करने के बाद अब आपको जहाँ पे भी ये एपीआई की यहाँ पे डालनी है आपको वहाँ पे डाल देनी है। जैसे मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र पर डाल के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे मैं न्यू टैब ले लेता हूँ। न्यू टैब ले लेने के बाद दोस्तों आप इसके बाद थोड़ी देर के लिए प्रेस रखिए। प्रेस रखने के बाद पेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे जो भी आपकी एपीआई की थी वो यहाँ पे आ चुकी है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।